हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई हो बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छे हूँ दोस्तों। आज मेरे साथ बहुत खराब हुआ। आप लोग कुछ बताना चाहते हैं? आज अचानक से छत पर दाल डली हुई थी, बहुत मेहनत की थी दाल में, जो पूरी भीग गई और थोड़ा सा भीग गई, और अचानक से पूरा दिन से लाइट भी नहीं है और मोटर ख़राब भी हो गई है। तो बगल वाले के पड़ोसी के यहाँ से पानी भरा, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। तो दोस्तों, आज थोड़ा मन नहीं था, तो बस इतना ही ब्लॉग में हम आपको दिखाते हैं कि हमने वो दाल को उठाया। बारिश हुई मेरे यहाँ, मेरी दाल भीग गई थी, तो थोड़ा दिमाग टेंशन में, क्योंकि काफ़ी मेहनत हो गया। आपने देखा है, मैंने काफ़ी मेहनतों से दाल को साफ किया और मैंने ख़रीदी है, पैसों की आती है दोस्तों। और वो एक्चुअली क्या हुआ कि पूरा दिन थोड़ा लाइट नहीं थी, तो उसकी वजह से तबीयत कुछ ठीक ना थी। मैं थोड़ा सो गई, इतना मेरी आँख खुली 5 बजे, करीब 5 बजे, और 5 बजे मैं उठी अचानक से। मैंने देखा बदल बहुत ज़्यादा है, तो मेरा पेट में एकदम से दर्द हो गया, तो मैं फ्रेश हो गई। इतने में अचानक से पानी आ गया और बस दाल भी गई। पति देव से नाराज़ हुई कि आप इतना भी नहीं है तो उठा लो बस। और लाइट भी पूरा दिन नहीं रही, पानी नहीं था बिल्कुल भी, तो बगल वाले के यहाँ से कहाँ तक भरें इस तरह। तो बस मैंने बगल वाले के यहाँ से पानी भरी, बहुत थक गई दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम आपको दिखाते हैं कि मेरे यहाँ कितनी बारिश हुई, ब्लॉग में लेकर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें दोस्तों। तो आगे ब्लॉग में जाने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम दिखाते हैं आपको। हेलो दोस्तों, तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बारिश हो रही है। ये देखिए दोस्तों, छत पे थोड़ा मौसम अच्छा था, उसकी वजह से लोग बाग भी बहुत दिख रहे हैं। चलिए हम दिखाते हैं कि बारिश कितनी हो रही है और मेरी दाल भीग गई है। ये देखिए दोस्तों, आपको छत गीला दिख रहा होगा तो आप समझ रहे होंगे, आज तो दोस्तों हद ही कर दी। दिन भर मौसम अच्छा था, अचानक से पता ही नहीं चला मौसम। पहली बात तो लाइट ख़राब थी, पूरा दिन लाइट नहीं गई, तो बहुत परेशान रही। और छत पर डली थी दाल सूखने के लिए, यही इसी छत पर डली हुई थी, और अचानक से आप देख सकते हो कितना पानी आ गया। ये मेरे गमले लगे हुए हैं, ये भी बहुत सूख रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है दोस्तों, ये गमले क्या करें, बहुत परेशान है। तो आप तो थोड़ा टेंशन में था दिमाग। मेरी दाल भीग गई, सबसे बड़ी बात, मैंने बहुत मेहनत के बाद इसको बनाया है, आपको पूरा ब्लॉग डाले हैं। ये चने की दाल है दोस्तों, काफ़ी सारी दाल थी, ये कम से कम 10-15-20 किलो दाल थी। थोड़ा भी पानी अगर बरसात का पड़ जाए तो बहुत जल्दी ख़राब ही हो जाए, क्योंकि जल्दी सूजन हो जाएगी। मैंने इसे उठा लिए, मैं इसे फटक के छान छान के रख रही हूँ ताकि ये बारीक बारीक सब हटा दे, और भर लेंगे इसे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, दाल कुछ भी किसी की भी हो, मेहनत तो बहुत होती है दोस्तों। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बताएं, आज मेरे साथ ये सब हुआ है। पूरी दाल को मैंने सिर्फ से छाना, और बाकी जो
छोटी छोटी महीन है उसको निकाल देंगे, क्योंकि मैं कोई भी बारिश की होती है तो उसमें कीड़े जल्दी पड़ते हैं। तो मैं हमेशा चने की दाल को, ये मेरी छन्नी भी टूट गई है दोस्तों, मैं इसे भी दिखा रही हूँ कि देखिए मैं टूटी छन्नी के साथ काम कर रही हूँ, मेरे पास है नहीं। इससे फटक इससे रही हूँ कि ताकि उसमें थोड़ा ये छत पे धूप में डली हुई थी तो थोड़ी लग कचरा वगैरह उड़ के आया हो तो वो फटकने से निकल जाएगा। इसे अभी साफ करके रख देती हूँ अच्छे से। तो बस चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, क्योंकि आज आपको पता ही है सैटरडे रहता है मेरे पति का है बैग, तो मैं थोड़ा आटा लगा के फ्रिज में रख दिए थी, मैंने वो निकाला और पति को बनाने लगी पराठे, क्योंकि उनका आज व्रत है। तो मैं उन्हें व्रत में आलू देती हूँ, फ्राई आलू घी में, और पराठे सेक देती हूँ दही से, खा लेते हैं पति। ये देखते हैं ये आलू मैंने फ्राई कर दिए थे, मैं खुशबू ले रही थी इनमें तो कोई वैसे तो नहीं ढके हुए थे, ख़राब ना पड़ जाए। इधर मैंने गैस ऑन की, गैस पर हवा चलाया और पति रेख को सेकने लगी पराठे। मैंने पराठों में बेसन का जो मैंने दाल पीसी थी पिसवाई थी उसमें कुछ आटा भी निकला था, तो मैंने आटा छन्नी से छान के इसी आटे में मार लिया है। बहुत अच्छी पराठे सेकेंगे इनके, पराठे सेके इधर देखा तो मेरा बेटा देखो चिड़िया बल्ला खेल रहा है, क्योंकि बच्चों पर भी ध्यान रखना होता है कि कहीं कुछ हाँ चला गया। बहुत देर से देख रही थी तो उसकी चिड़िया छत पे आ गई तो मैंने वो दी। बस वो खेल रहा था तो मैंने उसको भी, देखो मेरा बेटा कैसे खेलता है ये देखिए दोस्तों, बहुत मस्ती के साथ बहुत तंग करता है। तो मेरा मम्मा मैं जीत गया, वेरी गुड। देखिए तो बहुत सारे बच्चे भी खेल रहे हैं। इधर मैंने पड़ोसी के यहाँ से भरा पानी तो मैंने बोतल वोटल सब भर के रखा, ये देखिए मैंने छोटे छोटे बर्तन भी भर दिए। बेटी ने सारी बोतलें रखी फ्रिज में,